स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग चूंकि पढ़ चुके हैं, तो अब जो ट्रिवियल नेमिंग यानी कि जनरल नेमिंग होती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना जरूरी है। क्लास 10 के कार्बन यूनिट कंपाउंड में जो नेमिंग का सिलसिला चल रहा है, इसमें हम लोगों ने आईयूपीएसी कंप्लीट कर लिया मुन्ना, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट जनरल और ट्रिवियल नेमिंग। अच्छा, तो ये जनरल और ट्रिवियल नेमिंग यूज कहाँ होती है? ये जनरल और ट्रिवियल नेमिंग यूज होती है जहां पर ब्रांचिंग हो। ब्रांचिंग किस चीज की? मिथाइल ग्रुप की। मिथाइल प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है दैट व्हाट इज मिथाइल। क्लियर है? चलो अगर अब आपको रूल देखे दिखाते हैं। आपको रूल लिख रखा है कि अगर कार्बन चेन स्ट्रेट चेन में दिया गया हो, जैसे ये आपकी कार्बन चेन एकदम स्ट्रेट दी है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इस तरीके से उसकी वैलेंसी को पहले कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बाद आप इसकी नेमिंग करने के लिए आईयूपीएसी नहीं पढ़ रहे हैं, लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं, जनरल नेमिंग पढ़ रहे हैं, ट्रिवियल नेमिंग पढ़ रहे हैं। तो अगर आईयूपीएसी देखते तो इसका नाम क्या पड़ता? पांच कार्बन की चेन आपको दिख रही है, ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप है नहीं, डायरेक्टली पेरेंट चेन की कितने कार्बन का? पांच कार्बन का। पांच कार्बन का पेंट सिंगल बॉन्ड है ए। लेकिन ट्रिवियल नेम में आप इसके आगे नॉर्मल लगाते हो, नॉर्मल का एन यूज करते हैं, हाइफ़न लगाते हैं, पांच कार्बन की चेन पेंट और उसके आगे सिंगल बॉन्ड ए हो गई। इसमें अगर एक ब्रांचिंग मौजूद है, अगर कार्बन की चेन है बेटा और उसमें सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांचिंग मौजूद है, ये सेकेंड इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मैम ये सेकेंड है, ये कहां सेकेंड है? रूल यहां लिख रखा है कि द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन टेक्स प्लेस इन सच ए वे, ऐसे हम लोग करेंगे जहां पर ब्रांचिंग या फिर फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में पड़े। ये तो कल भी बताया है हम लोगों ने, प्रीवियस लेक्चर में आईयूपीएसी पढ़े थे तो तब भी बताया गया ना बच्चों कि नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट पोर्शन वेयर फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचिंग हैव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहां से हम लोग कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन चार पांच, इधर से अगर हुई तो एक दो तीन चार पांच, यानी कि सेकेंड कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांचिंग हो गई, सेकेंड कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांचिंग हो गई। और ये कार्बन है क्या? चलो जरा हाइड्रोजन लगा के देखो, ये तो CH3 की ब्रांचिंग है, वही तो लिखा है, इस CH3 को ही तो मिथाइल कहते हैं। ठीक है, तो इफ वन ब्रांचिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप टेक्स प्लेस एट सेकेंड कार्बन ऑफ चेन देन प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड। प्रीफिक्स यूज होता है आइसो, तो बेटा इसमें आइसो लगाकर सारे कार्बन को काउंट करते हैं। आपने आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन देखी थी, दिमाग में हड़बड़ाहट करके मिक्स मत करना, आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन देखे थे, लेकिन यहां पर आइसो लगाकर सारे नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग दिख गई, लिखा है इफ वन ब्रांचिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप टेक्स प्लेस एट सेकेंड कार्बन देन प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड बिफोर पेरेंट चेन। तो यहां पर आइसो तो ये लगेगा ही लगेगा, आइसो तो ये है ही है, और साथ में एक दो तीन चार पांच छह कार्बन की चेन, पूरा छह कार्बन है, चेन नहीं पूरे में छह कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोहेक्सेन। अगर इसका आईयूपीएसी करते, कल बता तो रहे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हो, अगर इसका आईयूपीएसी करते तो क्या करते बेटा? सेकेंड पर एक कार्बन की ब्रांचिंग, इसके लिए टू मिथाइल, पांच कार्बन की चेन, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन की चेन पेंट सिंगल बॉन्ड ए, ये आईयूपीएसी नेमिंग है और ये ट्रिवियल नेमिंग है, यही डिफरेंस है, देख लो भाई। जब भी कभी ट्रिवियल नेमिंग करेंगे सारे के सारे कार्बन को काउंट करके हम लोग उसकी नेमिंग करेंगे। तो एक दो तीन चार पांच छह कार्बन का पूरा कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम पड़ा आइसोहेक्सेन। चलो इसको देखो, यहां पर भी सेकेंड कार्बन पर ही ब्रांचिंग दिख रही है, वो भी एक मिथाइल की वन, तो बेटा इसका भी नाम आइसोहेक्सेन ही पड़ेगा।
नंबरिंग खाली इधर से है, कोई बात नहीं, है तो सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग। तो सेकेंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको आइसो कहते हैं, और फिर सारे कार्बन को जोड़ डालो, इसमें भी 6 कार्बन मौजूद है, कर दिया। अब आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपीएसी भी सेम ही होगी भाई, 2 पे मिथाइल, 5 कार्बन की चेन पेंटेन, तो आईयूपीएसी भी इसकी सेम होगी, 2 मिथाइल पेंटेन। हुआ ना आसान बेटा, हुआ ना? तो इस तरीके से आपने पहला रूल पढ़ लिया, अगर कार्बन की स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल यूज करते हैं, और सारे कार्बन को काउंट करके उसको पेरेंट चेन बनाते हैं, और फिर एन इन आइन लगाते हैं। अगर एक ब्रांचिंग सेकेंड कार्बन पर हो मिथाइल की, तो आइसो लगाते हैं, सारे कार्बन को काउंट करते हैं। अब ये बचा है, अगर 2 मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग हो, जैसे 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 इसको बिगाड़ते हैं, समझ में आया? चलो इसको बिगाड़ते हैं। अब अगर जैसे 2 मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग हो, 1, 2, 3, 4, ये रहा, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग, एक लिखा, इफ 2 ब्रांचिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन, एट सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप की, 2 मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग हो, तब फिर प्रीफिक्स नियो लगाते हैं, नियो। तो बेटा नियो लगाओ, डैश लगाओ, सारे कार्बन को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नियो के साथ में क्या लग जाएगा? हेक्सेन, नियो हेक्सेन, हो गया ना आसान सा। तो इस तरीके से समझे, बाकी तो यार आप इसकी इस तरीके से तो आप कर ही सकते हो ना, हाइड्रोजन लगा सकते हो, यार ये टकलू नहीं होता, इसके ऊपर आप जरा इसके इस तरह से आप बाल लगा दिया करो हाइड्रोजन के फॉर्म में, ठीक है? तो नॉर्मल आइसो नियो कैसे यूज करते हैं, समझ में आया? बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये रूल तो आपको कल ही बता दिए थे, आज लिखने में भी आपको समझा दिया, उसको कहीं नोट कर लेना। इन द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन टेक्स प्लेस इन सच वे वेयर द ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। क्लियर हुआ बच्चों? तो नॉर्मल आइसो नियो लगाकर हम लोग जनरल नेमिंग या ट्रिवियल नेमिंग करते हैं। तो आईयूपीएसी और जनरल नेमिंग तो हमने सीख ली, लेकिन अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो क्या करेंगे? चलो भाई साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। अब अगर साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग पढ़नी हो तो पहले ये सोचो कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लोग कितने कार्बन रखेंगे तो साइकिल बनेगी। चलो हम लोग चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। तो सबसे पहले हेडिंग है नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। चलो देखो, अब अगर 2 कार्बन एक कार्बन की कोई साइकिल बनानी हो, संभव है? नहीं संभव है। 2 कार्बन की अगर कोई साइकिल बनानी हो, संभव है? नहीं संभव है। लेकिन अगर 3 कार्बन की साइकिल बनानी हो तो संभव है, और वो कुछ ऐसे बनेगा। साइकिल में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि फॉर, एक लाइन लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, फॉर साइक्लिक कंपाउंड मिनिमम 3 कार्बन शुड बी देयर, वहां पर कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है? अब जरा इन कार्बन, साइकिल तो बन गया, हाइड्रोजन की संख्या को आप बना दीजिए, इस कार्बन की 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की 1, 2, 3, 4, इस कार्बन पे 1, 2, 3, 4, बन गया साइकिल। एक और साइकिल देखते हैं, ये जो जितनी नोक निकली होती है ना वो कार्बन है बेटा, वो कार्बन होता है, ठीक। और उस कार्बन पे 1, 2 तो वैलेंसी कंप्लीट है, 2 लगा के वैलेंसी कंप्लीट करो, तो ये भी आपका एक साइकिल दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा? बोलो भाई, एक और बनाते हैं बस, तो फिर आपको नेमिंग बताते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, जितनी भी नोक दिखेगी आपको साइकिल में वो कार्बन होगा। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन लगाओ, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
एक दो तीन चार, हो गया। अब इसकी नंबरिंग नेमिंग के लिए जो रूल लगता है वो लगता है प्रीफिक्स प्लस पेरेंट चेन प्लस एम, यही आपका रूल लगेगा। तो यहां पर जो प्रीफिक्स है वो लगेगा साइक्लो, याद रखना प्रीफिक्स साइक्लिक में लगेगा साइक्लो। फिर पेरेंट चेन जितने कार्बन की हो, हम यहां पर तीन कार्बन की देखेंगे, तीन कार्बन की प्रोब, फिर एम, चार कार्बन की प्रोब ब्यूट प्लस एम, हेक्स प्लस एम। जरा नेमिंग देखो, साइक्लो लगाएंगे प्रीफिक्स, बाकी पेरेंट चेन जितने कार्बन की हो एम। चलो इसकी नेमिंग देखो, इसकी नेमिंग हो जाएगी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन तीन कार्बन से प्रोप सिंगल बॉन्ड एन। इसकी नेमिंग साइक्लो चार कार्बन से ब्यूट एन, इसकी नेमिंग साइक्लो छह कार्बन से हेक्सेन। ठीक, तो इस तरीके से आप साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें मिनिमम थ्री कार्बन होने चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे अबाउट आइसोमेरिज्म, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे अबाउट आइसोमेरिज्म। एक भी छोटा सा टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, जरा समझ लीजिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। बेटा जी, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कई सारे कंपाउंड बन सकते हैं। तो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, और अगर स्ट्रक्चर बदला तो उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। ठीक है, तो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमेरिक कंपाउंड्स, और इसी प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमेरिक कंपाउंड्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सबसे खास बात ध्यान में रखनी है, आइसोमेरिज्म उस कार्बन चेन में संभव है जिसमें कम से कम चार कार्बन हो, नहीं तो यार फिर आइसोमेरिक कंपाउंड्स बन नहीं पाएंगे। ठीक, अब देखो चार कंपाउंड्स का अगर आइसोमर बनाना है तो आप पहले चार कार्बन चेन का अगर कोई कंपाउंड बनाओगे तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। अब ये क्या है, एक दो तीन चार, ये है C4H10। ठीक, अब इसकी अगर चेन आपको अगर आइसोमर बनाना हो तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये लास्ट वाले कार्बन को हटाओ ब्रांचिंग पे लगाओ, फिर से लास्ट वाले कार्बन को हटाओ ब्रांचिंग पे लगाओ, यानी कि अब चेन कितने कार्बन की बनेगी, तीन कार्बन की। ठीक, आप ब्रांचिंग पे लगाओगे तो आप ध्यान में रखना, कुछ बच्चे ये हटाकर यहां लगा देते हैं, ये कोई ब्रांचिंग हुई भाई, चार कार्बन की आपको ये चेन दिखी, चार कार्बन की ये भी तो एक चेन है, कहां टूट रही है, सीधी चेन है कि नहीं है भाई, खाली हल्का घूम ही तो गया, तो ये आपकी ब्रांचिंग नहीं होती है। और एक बात ध्यान में रख लो, ब्रांचिंग कभी भी किनारे वाले कार्बन पर तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं एक पॉइंट लिखे दे रहे समझने के लिए, ब्रांचिंग नेवर टेक्स प्लेस एट टर्मिनल कार्बन, कभी भी साइड, टर्मिनल का मतलब सबसे अंतिम, एट टर्मिनल कार्बन, ब्रांचिंग कभी भी टर्मिनल कार्बन पे पॉसिबल नहीं है। तो ब्रांचिंग कहां करेंगे, बीच वाले पे करेंगे, कर दो जल्दी से, हाइड्रोजन लगा दो, देखो जरा ये क्या है, चार कार्बन C4 हाइड्रोजन के, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, यानी भी तो C4H10 है। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया, इसमें कितने कार्बन की चेन है, चार कार्बन की, इसमें कितने कार्बन की चेन है, तीन कार्बन की, और इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमेरिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और ये प्रोसेस आइसोमेरिज्म होती है। क्लियर,
अब जरा इसकी नेमिंग की बात कर ले, दोनों नेमिंग करेंगे और ट्रिवियल भी करेंगे और आईयूपीएससी भी करेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो पहले नॉर्मल नेमिंग करते हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, जिसकी ट्रिवियल नेमिंग है। सीधी चेन है, नॉर्मल चार कार्बन की चेन, ब्यूट एम हो गया। इसमें कितने कार्बन की चेन है? तीन। लेकिन अच्छा इसी के पहले आईयूपीएससी, इसका आईयूपीएससी करो। और आप सिर्फ नॉर्मल नहीं लगाओगे, आपको बताया था अगर कोई ब्रांचिंग वांचिंग नहीं हुई, सीधे पेरेंट चेन, कितने कार्बन का पेरेंट चेन? ब्यूट प्राइमरी सफिक्स ए। तो ये आपकी ट्रिवियल नेमिंग हो गई, ये आपकी आईयूपीएससी नेमिंग हो गई। इसको देखो पहले ट्रिवियल नेमिंग, ट्रिवियल नेमिंग के लिए बताया था सेकेंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप लग जाए तो आइसो लगता है, आइसो लगा के सारे कार्बन को जोड़ दो तो एक दो तीन चार आइसो ब्यूटेन। आईयूपीएससी करेंगे तो रूल लगाएंगे ब्रांचिंग का, एक दो तीन, टू पे क्या लगाए? मिथाइल, तो टू पे मिथाइल, तीन कार्बन की चेन प्रोप, फिर एन, टू मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, बस हो गया आपका आईयूपीएससी इसी तरीके से। एक और सीख लो बेटा ताकि आप लोग को होमवर्क दे देता, आप लोग कर सकते हो। C5H12 का आप लोगों को बनवाने जा रहे हैं। देखो जरा, एक पहले तो सबसे पहले सीधी चेन ही बनानी है, बिना कुछ सोचे समझे सीधी चेन, एक दो तीन चार पांच, हाइड्रोजन लगाओ, लग गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक। साइड चेन हटाओ, ब्रांचिंग पे लगाओ, यानी कि अब कार्बन चेन कितने की बनेगी? चार कार्बन की, एक दो तीन चार। ब्रांचिंग किनारे वाले कार्बन पर कर नहीं सकते, रूल बता दिया है, तो कहां करोगे? सेकंड कार्बन पे कर दो। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो अब अगर इसकी हम नेमिंग करें, बाकी जगह हाइड्रोजन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो भाई, कार्बन की ब्रांचिंग के बाद हाइड्रोजन लगा दो। देखो जरा C5H12 है कि नहीं, एक दो इसमें गिनो, चार पांच कार्बन हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार, इधर भी हाइड्रोजन बन गया। अच्छा तीसरा अगर बनाना चाहो तो क्या बनाओगे? कह दो मैम ब्रांचिंग यहां से यहां शिफ्ट कर दे। अच्छा ये जो हाइड्रोजन है कंफ्यूज कर रहा है ना बेटा कलर में, हम हाइड्रोजन अब नहीं लगाएंगे, ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक देखना। अब हाइड्रोजन ना लगा के चार कार्बन की चेन लगा दी और ये वाला जो ब्रांचिंग उठाया वो यहां लगा दिया, हाइड्रोजन नहीं लगा रहे, ठीक, अपने आप लगा लेना। फिर अगर आपको दूसरा बनाओगे तो आप कहोगे मैम ब्रांचिंग यहां नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं बेटा, जरा करके देखो। एक बात बताओ, आप लोगों को रूल बताया था कार्बन चेन वहां से गिनना शुरू करेंगे जहां पे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो यहां से गिनोगे एक दो तीन चार, यहां से गिनोगे एक दो तीन चार, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहा? कोई डिफरेंस नहीं ना, इसलिए आप अगर सेकंड कार्बन पे लगाओगे तो इधर से भी सेकंड कार्बन पे पड़ेगा, यानी कि इसकी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो दो तो बच गए, क्या और बनने संभव है? हाँ भाई, इसको हटाकर ब्रांचिंग देखो लग पा रही है कि नहीं, तो अब कार्बन कितने की बनेगी? तीन की, तो चेन तीन कार्बन की चेन बन गई। अब एक ब्रांचिंग तो ये लगा ही हुआ है, इसको हटाओ ब्रांचिंग पे लगाओ, क्योंकि किनारे वाले कार्बन पर ब्रांचिंग संभव ही नहीं है, ठीक। हाइड्रोजन वगैरह आप लगा लोगे, हाइड्रोजन गिने, यार तुम लोग कहोगे कि हाइड्रोजन तो मैं गिन के दिखा नहीं रही, हाइड्रोजन लगा दो बेटा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। देखो C5H12 है कि नहीं, गिनो पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हो गया C5H12। इसके भी गिना ही दे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये भी क्या है? C5H12। तो सभी के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हुए लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हुए और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो गई, ये भी क्या है? एक दूसरे के आइसोमर। क्या मैम और कर सकते? अब क्या करोगे यार, तीन कार्बन की मिनिमम चेन हो गई, इससे कम नहीं कर सकते। नेमिंग आईयूपीएससी और कॉमन आईयूपीएससी नेमिंग और जनरल नेमिंग दोनों करना है। चलो इसकी करते हैं, सबसे पहले जनरल नेमिंग के लिए सीधी चेन में नॉर्मल लगाते हैं, नॉर्मल सारे कार्बन को काउंट करते हैं, पेंट एन, हो गया।
आईयूपीएसी में नॉर्मल आइसोनियो का यूज नहीं करते। पांच कार्बन की चेन पेंट, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, प्राइमरी सफिक्स एन। ठीक, आपकी इसके लिए पहले जनरल लेंगे, आपको सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल की ब्रांचिंग मिली आइसो। सारे कार्बन को काउंट करो, पांच कार्बन की चेन आइसो पेंटेन। आईयूपीएसी बोले तो टू पे एक कार्बन की मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन आपको आईयूपीएसी के लिए लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती, लॉन्गेस्ट चेन चार कार्बन की, सेकंड पर एक कार्बन की ब्रांच है, तो इसका आईयूपीएसी होगा टू मिथाइल चार कार्बन से ब्यूट एन। ठीक है, इसके बाद इस पे आओ, इस पे देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की मिल रही है, तीन कार्बन की। पहले जनरल लेमिंग देखेंगे, जनरल लेमिंग में टू पे दो मिथाइल ग्रुप की ब्रांच है, टू पे दो मिथाइल ग्रुप के लिए नियो लगाते हैं, तो इसकी लेमिंग हो जाएगी नियो और पांच कार्बन, तो टोटल काउंट करो नियो पेंटेन। ठीक है, अब अगर आईयूपीएसी लेमिंग करनी होगी तो टू पे दो बार मिथाइल ग्रुप लगाए, तो जितनी बार मिथाइल ग्रुप लगता है पोजीशन भी उतनी बार लिखते हैं, टू कॉमा टू दो मिथाइल, तो डाई लगाओ मिथाइल लगाओ, कितने कार्बन की चेन तीन कार्बन की चेन प्रो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है एन। अरे टू कॉमा टू डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया, बस इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। बना लिया, तो ये आपको मैंने ब्यूटेन और पेंटेन का बताया, होमवर्क आपके लिए, करके दिखाना, बताना जरा कितने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। C6H14 यानी कि आपको बनाना है हेक्सेन का। ठीक, बना के बताना जरा कितने बने, क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही है, आज इसको पढ़ो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग शुरू करेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शंस, मजेदार टॉपिक, बच्चे इसके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते, मेरे बच्चे सब कर लेते हैं। ठीक है, एकदम पिंकी प्रॉमिस, आपको एकदम तैयार होगा, आप लोगों को पता होगा कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, हल हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग इसके क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे, पहले तो सीखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करने भी सीखेंगे। तो बस इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है मुन्ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, टिल ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चा लोग।